वेलकम टू माई चैनल, मैं विशन मैजिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी, अल्लाह के करम से कल हमारे जो इस्लामी मंथ का जो है पहला रोज़ा है कराची में, जो है कल पहला रोज़ा होगा। तो आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक टू ऑल। तो रमज़ान आते हैं तो एज़ यूजुअल हमारी जो मोस्टली ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं। एक दो दिन पहले से ही जितनी प्रिपरेशन हो सकती है वो कर लेती हैं, लाइक चटनी वगैरह बनाना और फ्रोज़न आइटम जितने होते हैं वो प्रिपेयर कर लेती हैं। तो आज मैं भी आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं मीठी इमली की चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा और जी, अल्लाह हम सबको खुश रखे, आबाद रखे इस रमज़ान के सदक़े, हम सबकी इबादत को और जी नेक दिली तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, नेक इरादों को, और जी जितने लोग बीमार हैं उनको शिफा दे, और जितने लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए, और जितनी भी लोगों की जो जायज़ हाजात हैं वो सब कबूल हों। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 250 ग्राम इमली, और इंग्रेडिएंट मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। और जी, इसके साथ ही अगर आप ग्रीन चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको आलू बुखारे की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो आज जो है मैं इमली की चटनी बनाना सिखा रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आलू बुखारे की चटनी बनाना सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। यहाँ पे मैं 250 ग्राम जो है इमली ले रही हूँ, और इसमें 2 कप वाटर ऐड करूँगी। इसमें 2 कप पानी ऐड करा है मैंने। अब इसको एटलीस्ट 3 से 4 आवर के लिए छोड़ देंगे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो। अगर नहीं है तो आप शॉर्टकट काम करेंगे, नीम गर्म पानी लेंगे 20 मिनट के लिए, उस पानी में इमली को भिगो देंगे। तो ये देखिए हमारी जो इमली है वो डिप हो गई है अच्छी तरह से। अब इसको कवर करके रख देंगे। एक पैन में हम लेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा, 4-5 साबित लाल मिर्च, 1-2 लौंगे, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, साबित काली मिर्च, और ये 1/4 टेबल स्पून जो है अजवाइन है। अब इन सबको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो गई हैं। अब इसको जो है एक मिक्सर में डालकर, आप वैसे भी हाथ से भी ग्राइंड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा दरदर रखना है, और आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसको फिर हम जो है मिक्सर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने मिक्सर के अंदर डाल दिया है, अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन जो है थोड़ा सा दरदर रखना है। तो गाइस, फाइनली हमारे 3 से 4 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, और जी मैंने इसके जो वो सीड्स और पल्प जो है वो स्ट्रेन आउट कर दिया है, और थोड़ा सा पल्प छोड़ दिए क्योंकि मुझे थोड़ा सा पल्पी पल्पी अच्छा लगता है, और बाकी जो सीड्स हैं वो निकाल दिए मैंने। अब एक पैन ले लेंगे। मैं हमने सारे स्पाइसेस रोस्ट किए थे उसी में हम ये इमली का जो ये पल्प हमने निकाला है ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे क्योंकि जो है हमने पहले 2 कप पानी ऐड करा था, तो इस वजह से अब जो है थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इमली का पल्प जो है वो थोड़ा सा थिक हो गया है, अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करे थे। वन टेबल शुगर, थोड़ा सा शुगर और ऐड करेंगे। टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून जो है
पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट जिसको कहते हैं, टेस्ट के लिए, से जो है टेस्ट अच्छा आता है हमारा जी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चटपटी इमली की चटनी रेडी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको इमली की चटनी की, और कमेंट सेशन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और ये इसकी अच्छी बात ये है कि आप इसको कोई भी ग्लास के जार में स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक आपकी चल जाएगी। तो गाइज, हमारी जो इमली की खट्टी मिट्टी सी चटनी है वो रेडी है। होप सो कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। कल रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।